सबसे पहला मुद्दा तो विकास का मुद्दा है, किसानों का मुद्दा है कि जो एसएमपी डिक्लेयर हो जाता है उसमें बात रहती है दिक्कत की, पेमेंट नहीं हो रहा है, केंद्र से संघर्ष करना जा करके, क्योंकि राज्य सरकार के बस की सारी बात नहीं होती है, केंद्र से भी इसमें करवाना पड़ता है। बहुत सी केंद्र पोषित योजनाएं हैं, यदि वे राज्य में आ जाएं और उनसे बहुत ही ज्यादा विकास हो सकता है, लेकिन हमारे जो राज्य के प्रतिनिधि हैं, सरकार की ओर से यूसी वगैरह टाइम से नहीं पहुंचाए जाते, यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट, वो योजनाओं का पैसा नहीं आ पाता। अगर काबिल सांसद, पढ़ा लिखा ऊर्जावान सांसद आपके पास है, योग्यता रखता है, तो भारत सरकार से जाके बहुत कुछ ला सकता है। और बहुत सी बातें महिला सशक्तिकरण की है, महिलाओं के लिए जहां हमारा खादर क्षेत्र पड़ता है, घाट क्षेत्र पड़ता है, बहुत सा ऐसा क्षेत्र जो पिछड़ा क्षेत्र है, वहां की महिलाओं के लिए बहुत कुछ किया जा सकता है, इसलिए हमारी दावेदारी सबसे मजबूत है। शिलान्यास कराना आप खुद सोच लीजिए, समझदार आदमी आप लोग हैं, क्या उनके टेंडर हो गए होंगे, क्या वर्क ऑर्डर हो गए होंगे, आगे सरकार का क्या होगा, ये तो सब आदमी अधर्म है ना। मेहनत की जानी चाहिए थी 5 साल से, 5 साल में बात होती, अब एकदम से आकर के 5 हफ्ते में क्या हो पाएगा, तो बहुत छोटा समय है। हरीश रावत जी की मेंटेलिटी खराब है। आदमी देखिए, आज भी कहता हूँ, भले ही हमारे विरोधी हों, हरीश रावत जैसा नेता नहीं है उत्तराखंड में, संघर्षशील व्यक्ति है, जमीन से जुड़ा हुआ है, लेकिन उनकी मनोवृत्ति खराब है। वो मजबूत और ईमानदार आदमी को पसंद नहीं करते, बेईमानी को पसंद करते हैं, इसलिए हमारा उनका नहीं बना। उन्होंने हमारे घर में आग लगवाई, हमारे लोगों को जेल भिजवाया, लेकिन मैंने हरीश रावत को चैलेंज किया था 2017 में कि वहां क्या लड़ रहे हो, स्वामी के सामने, मेरे सामने आके कानपुर से चुनाव लड़ो, हरीश रावत की हिम्मत नहीं हुई थी। और आज अगर हरीश रावत गठबंधन के कैंडिडेट आते, महागठबंधन के, तो मैं पूरा यकीन के साथ कह सकता हूं कि मेरी धर्मपत्नी रानी देवयानी सिंह हरीश रावत को धूल चटाने में कामयाब होंगी, मुश्किल प्रतियोगिता और नहीं हरा पाएंगे। श्रवण वर्ग के आदमी का हराना मुश्किल है, क्योंकि पोलराइजेशन हो रहा है, उसमें ओबीसी एससी का आना साथ बहुत जरूरी है, महिलाओं का आना जरूरी है, इसलिए ये ऐसा ध्रुवीकरण से, ये ऐसे समीकरण बन गए हैं कि इसी का समीकरण से जीत हो पाएगी। देखिए, दुर्भाग्य रहा है, चाहे उत्तर प्रदेश का अंग रहा हो हरिद्वार, चाहे अलग से जिला बन गया सन 1988 में, या फिर उत्तराखंड 2001 के बाद, जो भी यहाँ से सांसद रहे, 1977 में भगवान दास राठौर को ले लीजिए, मूलतः बिजनौर के निवासी थे, जगपाल सिंह जी सहारनपुर के थे, राम सिंह मांडेवास सहारनपुर के थे, सुंदरलाल जी बिजनौर के थे, बाकी हरीश रावत जी और निशंक जी भी यहाँ के नहीं हैं, तो एक बहुत प्रबल मांग आ रही है, क्योंकि बाहर का व्यक्ति प्रवासी पक्षी की तरह आता है, जो वर्ष में सिर्फ एक बार झलक दिखाने आता है, किसी की गम में, किसी की खुशी में ना आंसू बहाने आ सकता है, ना उसके साथ हंस खेल सकता है, ना ही समस्याओं को देख सकता है, उनका निराकरण कर सकता है। चाहिए तो एक निरंतरता चाहिए अपने जनप्रतिनिधि में, जिसके सामने पब्लिक रहे, पब्लिक के सामने वो रहे और उनको संतोष बना रहे। इस चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें, सबसे पहले वीडियो पाने के लिए बेल आइकन भी दबाएं।